सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डमताल ने हिमाचल प्रदेश में पड़ते राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरने वाले बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहनों के विभिन्न प्रकार के चालान काटकर मौके पर 55,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। जानकारी देते हुए सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रमन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि डमताल मिलवा क्षेत्र में अधिकतर भारी भरकम वाहनों में क्षमता से भी अधिक मटेरियल भरकर ले जाया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के प्रभारी रूप सिंह और उनकी पुलिस टीम को साथ लेकर मिलवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर शाम नाका लगाया गया और इस दौरान बिना परमिट बिना पैसेंजर लिस्ट वाहन चालान भी काटे गए। इस कार्रवाई में अधिकतर चालान पंजाब क्षेत्र से रेत बजरी भरकर हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे ओवरलोड वाहनों के काटे गए। नाका लगाए जाने की सूचना मिलते ही रेत बजरी से भरे ओवरलोड वाहनों की कतारें लग गई और ड्राइवर अपनी गाड़ियों को ताले लगाकर रफू चक्कर हो गए। सर अभी तक जो चलान कितने चलान काटे गए हैं? कल 11 चलान काटे थे और 3 चलान अभी आज काटे हैं, टोटल चलान हो गए। टोटल सर कितनी राशि? 55,000। सर किन किन वाहनों के चलान काटे जा रहे हैं? चलान सभी प्रकार के वाहन चेक किए जा रहे हैं, ओवरलोड के चलान काटे जा रहे हैं, विदाउट परमिट के काटे जा रहे हैं और हमने कल रात को बसें पकड़ी और विदाउट पैसेंजर लिस्ट को भी फाइन किया गया है। तो सर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये समय समय पर चेकिंग होती रहेगी। एंस्टा न्यूज के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।